हेलो एवरीवन, वेलकम टू डायनामिक स्टडी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं करेंट अफेयर्स रिलेटेड टू पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की 28 टॉपिक। एंड इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे एक WHO लिस्ट, जो जिसमें WHO ने 10 ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स दिए हैं कि कौन से 10 ग्लोबल थ्रेट हैं 2019 के। तो इस लिस्ट को हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इस लिस्ट को हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि ये जो पहली और सबसे मेजर थ्रेट है वो आपकी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। तो इसीलिए हम इस लिस्ट को डिस्कस कर रहे हैं। मैं जो सारे 10 पॉइंट्स है वो डिस्कस नहीं करने वाली हूँ। मैं जो पहला पॉइंट है आपका, जो हमारे इससे पीपल एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, उसी टॉपिक को मैं डिस्कस करूँगी। तो चलिए डिटेल में डिस्कस करते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज WHO, लिस्ट ऑफ 10 ग्लोबल हेल्थ थ्रेट लिस्ट, 10 इशूज विच डिमांड इमीडिएट एक्शन फ्रॉम WHO एंड हेल्थ पार्टनर्स इन 2019 हैज़ बीन रिलीज्ड। तो बेसिकली 2019 की लिस्ट है और इस लिस्ट में जितने भी थ्रेट्स हैं, मतलब आप कह सकते हैं जितनी भी चुनौतियां हैं, उनको बोला गया है कि इन इश्यूज़ को हमें जल्दी से जल्दी हमें इस पर अटेंशन डालना है, हमें इस पर ध्यान देना है और इसको हमें इमीडिएटली इसको कैटर करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो इन्होंने बोला है, जो पहला इनका मेजर पॉइंट था, जो पहला आप कह सकते हो थ्रेट थी, वो थी एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये इनका वन ऑफ देम थ्रेट है, मतलब उनमें से एक थ्रेट ये भी है, एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। 9 out of 10 पीपल ब्रीथ पोल्यूटेड एयर एवरी डे। तो WHO ने बोला है कि ऑलमोस्ट जो 10 लोग होते हैं, 10 लोग में से 9 लोग ऐसे हैं जो कि हर दिन पोल्यूटेड एयर ही ब्रीथ कर रहे हैं, मतलब उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। तो अगेन ये एक आप कह सकते हो कि ग्लोबल हेल्थ थ्रेट है हमारे लिए, क्योंकि हमारे पास जो एयर है जो हम ब्रीथ करते हैं, जो प्रॉपर ऑक्सीजन हमें मिलनी चाहिए फ्रेश एंड क्लीन, वो हमें अवेलेबल नहीं है। इन 2019 एयर पोल्यूशन इज़ कंसिडर्ड बाई WHO द ग्रेटेस्ट एनवायरमेंटल रिस्क टू हेल्थ। तो बेसिकली 2019 में एयर पोल्यूशन इन्होंने बोला है कि ये सबसे ज़्यादा मतलब ख़तरनाक एनवायरमेंट का रिस्क है जो कि हेल्थ के ऊपर इफेक्ट डालने वाला है। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने ये भी बोला है कि बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स विच आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू द क्लाइमेट चेंज ऑल्सो इम्पैक्ट पीपल्स हेल्थ इन डिफरेंट वेज। तो इन्होंने ये भी बोला है कि एक तो जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, वो है आपका बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। जो हम फॉसिल फ्यूल्स जलाते हैं, चाहे वो कोयला हो या फिर जो भी फ्यूल्स हैं वो जो बर्न करते हैं, उनकी वजह से भी क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन लेवल रिड्यूस होता है और उसकी वजह से जो लोगों की हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। तो ये आपका बेसिक आपकी जो लिस्ट थी वो थी WHO की। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ सकता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो लिस्ट दी है 2019 की, उसमें कौन सा फैक्टर है या आप कह सकते हो कौन सा पोल्यूशन है जिसको इन्होंने रिस्क बताया है। ऑप्शंस में आपके अलग अलग होंगे, जैसे सच एज आपका पहला ऑप्शन हो गया एयर पोल्यूशन, देन आपका हो जाएगा नॉइस पोल्यूशन, देन आपका हो जाएगा साइबर थ्रेट एंड फोर्थ आपका हो जाएगा वाटर पोल्यूशन। तो उसमें से आपको चूज करना होगा कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो आपका जो राइट ऑप्शन है वो है एयर पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये आपको ध्यान में रखना है। देन कितने इन्होंने रिस्क निकाले हैं ये भी हो सकता है एक क्वेश्चन। तो ये आपके, मैं अदर एग्जाम्स की बात कर रही हूँ कि एक ये भी क्वेश्चन बना जा सकता है कि WHO ने कौन कौन सी जो लिस्ट है उसमें कितने ग्लोबल हेल्थ थ्रेट हैं। तो आपका राइट आंसर होगा 10। तो ये आपका बेसिक है, मतलब बेसिक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि किस वजह से कौन मेजर कंट्रीब्यूटर है क्लाइमेट चेंज का अकॉर्डिंग टू WHO लिस्ट। तो उसमें आपका आ सकता है कि बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स आर द मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ऑफ क्लाइमेट चेंज दैट इम्पैक्ट्स द पीपल हेल्थ। तो राइट आंसर होगा बर्निंग फॉसिल फ्यूल। तो इस तरह के 3 क्वेश्चन हैं, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यहाँ पे बन रहे हैं। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। कीप ऑन वॉचिंग एंड कीप ऑन लर्निंग।